हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ब्लाउज़ के पीसेज जो है शेयर किए थे उनका रिव्यूज़ आइडिया शेयर किया था तो आपके कमेंट आए थे कि मैं इस तरह के क्वेश्चन कवर जो है आपके साथ शेयर करूं बना के उन ब्लाउज़ के पीसेस से तो दो ब्लाउज़ के पीसेस से मैंने सिक्स ये क्वेश्चन कवर बनाए हैं मैंने ये सभी कवर्स जो है अलग अलग पैटर्न में बनाए हैं आपको कोई एक पैटर्न भी पसंद आता है तो सेम आप सभी जो पाँच जो हमारा सेट होता है क्वेश्चन कवर का वो बना सकते हो तो इसके लिए देखिए दो मैंने ब्लाउज़ के पीसेज लिए हैं ये मतलब कंट्रास्ट में ना एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से मैच हो गए तो फिर मैंने इनका यूज़ किया है आपके पास जितना भी फैब्रिक है ना उसके अकॉर्डिंग ही साइज़ रखिएगा कवर्स का मेरे पास यहाँ पे दो पीस हैं ब्लाउज़ के तो मैं यहाँ सिक्सटीन बाई सिक्सटीन के कवर्स बना रही हूँ आराम से बन जाएंगे पाँच छः कवर्स तो यहाँ कॉटन का मैंने फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए मतलब बैक साइड में भी वही कपड़ा यूज़ करूँगी मैं और मेन फैब्रिक के नीचे भी तो सिक्सटीन एंड हाफ इंचिस एक तरफ को सिक्सटीन एंड हाफ इंचज दूसरी तरफ को यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने मतलब जो पीस मैंने ये कट किया है ना दो पीस कट कर रही हूँ मैं इकट्ठे यहाँ मैंने कपड़े को ना फोल्ड किया हुआ है जितने भी साइज़ का आप कवर बना रहे हो ना तो कटिंग करते वक्त अपने हाफ इंच दोनों तरफ को जो है एक्स्ट्रा छोड़ना है मार्जिन के लिए सिलाई लगाने के लिए ये दोनों ब्लाउज के पीस मैंने ले लिया अब इनकी लेंथ और विस्थ जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि, कि कपड़ा कितना चाहिए हमें तो लेंथ है इसकी थर्टी टू इंचज और जो अर्ज है इसका वो फोर्टी थ्री इंचज है तो दोनों जो ब्लाउज के पीसिस हैं ना वो एक ही बराबर के हैं अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग को फोल्ड किया है और ये मैंने एक सिंगल पीस जो है ना कट कर लिया जो प्लेन वाला फैब्रिक है उसमें से बिल्कुल इसके बराबर मैंने ये कट कर लिया और अब जो है ना एक प्रिंट में एक पीस इतना ही मैं और कट कर लूँगी इसमें मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है कि कहीं ये कवर छोटा ही ना हो जाए इसलिए आ, कपड़ा जो है ना कम ना पड़ जाए तो मैंने थोड़ा सा यहाँ मार्जिन रख के इसको कट किया है अब देखिए कैसे करना है इसको हमने स्टिच हाफ़ जो पैटर्न है हमारा प्लेन आएगा हाफ़ प्रिंट में आएगा तो ये एक कवर हमारा इस तरह से रेडी होगा तो नेक्स्ट आगे मैं आपको सारा जो ना स्टिचिंग का भी बताती चलती हूँ साथ में ही इन दोनों पीसेस की राइट साइड को मिला के इस तरह से हमने स्टिचिंग कर देनी है डबल स्टिचिंग करनी है और उसके ऊपर जो इंटरलॉक कर लेंगे अब ये देखिए इस तरह से ये हमारा ना हाफ पैटर्न प्लेन हाफ प्रिंट में आ गया अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न हमने किस तरह से कट करना है ये देखिए ये सेम ज, ज, जितनी मैंने लेंथ और वर्थ ली थी ना दो फैब्रिक की पहले सेम वैसे ही ले ली है वहां तक सेम है उसके आगे ये देखिए क्या करना है हमने एक बार इसको फोल्ड किया और बीच में से कट कर लिया अब ये चार पीसेस हो गए हैं अब इनको देखिए अटैच करना है हमने तो वो कैसे करना है इस तरह से और ये ऐसे वाला पैटर्न हमने बनाना है यहाँ पे बस ऐसे ही इसको स्टिच कर देना ये देखिए सबसे पहले हमने एक प्लेन और प्रिंटेड जो है आपस में ऐसे अटैच कर लेने हैं राइट साइड दोनों की मिलाई हुई आपस में अब दूसरा जो है ना पेयर उसको भी ऐसे स्टिच कर देना है इतना हो गया ये दो पीस हो गए इस तरह से अब इनको ऐसे फिर से स्टिच कर देंगे ये ऐसे तो ये जो जोड़ जो लगा हुआ है ना इसको बिल्कुल एक बराबर रखना है नहीं तो जो है ना डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा तो ये बिल्कुल ऐसे आपस में मिला के स्टिच करने हैं और ये जो सिलाई है ना हमारी जो मार्जिन बचा हो वो भी एक ही तरफ को रखना है बस ये भी मैंने स्टिच कर दिया ये देखिए ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है तो पहले मैं आपको ना इसी तरह से सारे स्टिच करके दिखा देती हूँ उसके बाद लास्ट में हम कुशन जो है पूरा रेडी कैसे करना है वो देख लेंगे थर्ड पैटर्न मैं बॉर्डर के साथ बना रही हूँ तो जो प्लेन वाला फैब्रिक है उसमें ही ये बॉर्डर है हमारे पास तो देखिए सबसे पहले तो मैं अगर आपने दो कुशन एक साथ बनाने हैं और बॉर्डर भी आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो सिक्सटीन एंड हाफ इंच मैंने एक तरफ को कर लिया मार्क तभी ये मैंने फोल्ड किया हुआ है और इस तरफ को भी सिक्सटीन एंड हाफ इंच हम मार्क कर लेंगे तो इस तरह से ये दो कुशन हमारे बन के रेडी हो जाएंगे और ये जो बॉर्डर है ना बिल्कुल लास्ट में आएगा सिलाई के साथ में अगर इस तरह से फैब्रिक डबल करके रखेंगे ना तो दो कुछ हमारे इकट्ठे कट हो जाएंगे और जो बॉर्डर है वो नीचे की तरफ को आएगा सिलाई के बिल्कुल साथ में पूरा जो कवर है वो प्लेन आएगा और एक साइड में जो है बॉर्डर आएगा लेकिन मुझे इस तरह का पैटर्न नहीं चाहिए ये जो बॉर्डर्स है ना ये मुझे चाहिए सेंटर में तो मैं यहाँ पे नाइन इंचेस के आसपास जो है ना मार्क कर लूँगी नाइन मैंने यहाँ पर मार्जिन रख के लिया है मार्जिन ज़रूरी चाहिए क्योंकि सिलाई भी लगानी है सेंटर में तभी मैंने नाइन लिया है मतलब बढ़ा के लिया है इस तरफ से ये है इंचेस और इस तरफ से ये नाइन है अब ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे ना इसको तो ये बॉर्डर आ जाएगा सेंटर में और ये थर्ड पैटर्न हो गया ये कपड़े की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है मतलब दोनों की ना राइट साइड को मिला के हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ये थर्ड पैटर्न बहुत ही सुंदर लगा मुझे बहुत ही प्यारा बना है ये ये एक पीस मैंने लिया है इसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो नाइन इंचेस है और एक पीस मैंने प्रिंटेड इसी तरह से कट कर लिया अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है बहुत ही प्यारा सा पैटर्न ये बनेगा ये देखिए ये जो दोनों पीसेज हैं ना इनकी राइट साइड अंदर की तरफ को रखी है दोनों की मिला के और इनको इस तरह से स्टिच कर लिया चारों तरफ ये सिलाई मैं लगा लूँगी पूरे को इसको क्लोज करने के बाद ये देखिए बस इस तरह से सेंटर से आपस में इन जो कॉर्नर हैं इनके मिला देंगे ऐसे और ये जो एजेस हैं ना इसमें ये नौके से बनी हुई है इसमें इसको कट कर देंगे अब ये यहाँ पे देखिए ऐसे इस पॉइंट पे इसको हल्का सा कट लगा के ये जो लाइंस है ना इनको कट कर देंगे इस तरह से एंड तक कट कर देना है अच्छे से इसको ओपन करके ये देखिए ये पैटर्न बन गया है हमारा अभी जो इसकी लेंथ और वर्थ है ना वो थर्टीन इंचेस आई होगी ये देखिए थर्टीन इंचज है ये तो अब हमने एक फैब्रिक और इसमें ऐड करना है और फिर से प्रिंटेड फैब्रिक में इसमें ऐड करूँगी ये देखिए जितना भी ये पीस है ना उतना ही पीस एक और कट कर लिया इनको फिर से वैसे ही आपस में स्टिच कर देना है राइट साइड अंदर की तरफ को रखिए दोनों फैब्रिक की बस ऐसे रख के इनको चारों कोनों में इस तरह से सिलाई लगा देंगे इन दोनों पीसेस को मैंने स्टिचिंग कर ली है ये देखिए इस तरह से ये बन गया अब ये जो उल्टी साइड है ना इसकी प्रिंटेड वाला जो फैब्रिक है इसको हमने फिर से वैसे ही कट करना है क्रॉस लगाया और उसके ऊपर कटिंग कर दी और फिर उसको ओपन करके ना सेम पैटर्न बन जाएगा इसी तरह का पैटर्न आप कितने भी फैब्रिक जोड़ जोड़ के ना इस तरह से बना सकते हो इस तरह से टेबल क्लॉथ बन जाएगा रग बन जाएगा या फिर रनर बनाना हो तो वो भी बन जाएगा ये देखिए ये इस तरह से ओपन हो गया ये तो अब जो है इसकी फिट्स और लेंथ हमारी प्रॉपर हो गई है जितनी हमें चाहिए सिक्सटीन बाई सिक्सटीन इंचज़ का ये हो गया है ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना इसके ऊपर रख के देख लेंगे हम कि ये प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया तो आप आयरन करेंगे इसको तो ये बराबर हो जाएगा नेक्स्ट कवर कट करने के लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है तो इसको मैंने सिक्सटीन एंड हाफ इंचेस एक तरफ को और सिक्सटीन एंड हाफ इंचेस दूसरी तरफ को कट कर लेना है दोनों तरफ से एक बराबर का ये पीस कट कर करके इसको किया इस तरह से फोल्ड और फाइव इंचेस की मार्किंग करनी है हमने इसके एक साइड से स्टार्ट करेंगे कपड़े की ओपन साइड से हमने ये मार्किंग करनी है इस तरह से मार्किंग ओपन साइड से करनी है लेकिन कटिंग जो है हमने क्लोज साइड से करनी है अब ये जो पॉइंट लगाए ना इनको आपस में मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से ताकि कटिंग अच्छे से हो या ये बॉक्स जो बन गया ना अब अब इसकी कटिंग कर लेंगे अब ये बीच में से जो कपड़ा निकला है ना यहाँ पे हमने प्लेन कपड़ा यूज़ करना है ये देखिए इस तरह से आएगा ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन के रेडी होगा तो ये जो बेस्टेज निकला ना अंदर से कपड़ा जो निकला उसको हमने फेंकना नहीं है उसको रख के ही यहाँ पे वन इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन रख के ना चारों तरफ को कटिंग कर लेंगे एक पीस की तो ये वाला जो कपड़ा है ये हमने इसके अंदर ऐसे इसके ऊपर जो है ना पैच वर्क करना है तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इसको अच्छे से ये जो प्लेन कपड़ा है ना इसको मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया और इस तरह से स्टिच कर लूँगी अब इस कपड़े को फोल्ड करने के लिए मैंने ना सिलाई नहीं लगाई आयरन किया है इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है तो अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ एक ही सिलाई लगानी है फिनिशिंग से लगेगी तो भी तभी अच्छी लगेगी तो ये नेक्स्ट पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया कवर्स के जो फ्रंट वाले पार्ट है वो सारे हमने रेडी कर लिए हैं अब हमने स्टिच करना है कवर को तो उसके लिए देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक जो है ना उसको ऐसे रख के ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे मतलब चारों तरफ से ना फिनिशिंग दे देनी है इस तरह से ये जो लाइनिंग है ना उसको मैंने ऐसे रख लिया कपड़े के ऊपर अब जो बैक वाला पार्ट है इसका बैक वाला पीस है वो हमने कट करना है तो इससे आगे फाइव इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक के लिए ये जो ऊपर मैंने रखा है ना पीस ये है हमारा अस्तर जो हम मेन फैब्रिक के साथ लगाएंगे और ये बैक के लिए है तो ये फाइव इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है एक तरफ से एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों तरफ से नहीं रखेंगे अब ये जो एक्स्ट्रा है ना फैब्रिक फाइव इंच ये एक तरफ को निकाल दिया और इस कपड़े को कर लिया फ़ोल्ड सेंटर से इसको कट कर लिया अब ये दो पीस हमारे पास आ गए हैं दोनों तरफ से ना इनको एक तरफ सिलाई लगानी है हमने उससे पहले मैं ये मेन फैब्रिक और जो अस्तर है हमारा इसको ना आपस में स्टिच कर लूँगी तो आप सिलाई भी लगा सकते हो या फिर ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हो मुझे ये काम ईजी लगता है तो मैं ग्लू गन से ही इन दोनों कपड़ों को ना आपस में पेस्ट कर रही हूँ ये अच्छे से चारों तरफ से मैंने पेस्ट कर लिया है बस अब एक फैब्रिक बन गया है ये कवर का एक पार्ट रेडी हो गया है दूसरा रेडी करने के लिए ये जो हमने कट पीस किए थे ना दो उनको एक एक तरफ को फोल्ड लगा लिया है फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से इन कपड़ों को रखना है आपस में ओवरलैप करके ओवरलैपिंग के बाद ये सिक्सटीन एंड हाफ़ इंचज़ आना चाहिए ऐसे ये देखिए ये हो गया सिक्सटीन एंड हाफ़ इंचज़ अब यहाँ पे मैं मार्क लगा लूँगी जहाँ पे भी ये आपस में मिले आके और इस तरफ भी यहाँ पे भी हमें ये सिक्सटीन एंड हाफ़ इंचज़ ही चाहिए तो जहाँ पे भी ये यह मिले यहाँ पे एक मार्क लगा दिया अब ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे स्टिच कर देना यहाँ से इन दोनों को स्टिच कर देंगे तो ये एक पीस बन गया बस इसको उठा के अब दूसरे पीस के साथ स्टिच कर देंगे बस इतना ही काम है ये रहा फ्रंट वाला हिस्सा और बस ऐसे सिलाई लगा देंगे चारों तरफ ये सारे कवर्स मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिए ये देखिए ये बन के हमारा रेडी हो गया है कुशन कवर बहुत ही प्यारा सा कवर्स में जिप मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि जो रेडीमेड है ना कवर्स मेरे पास तो कुछ टाइम बाद वो फ्री होने लग पड़ते हैं तो इसलिए मैंने जिप वगैरह इसमें नहीं लगाया है ओवरलैपिंग वाला ही सिस्टम सही लगता है मुझे तो ये देखिए यहाँ से हम जो है कुशन इसमें डालेंगे हाँ आप चाहें तो यहाँ पे लूप लगा के बटन भी लगा सकते हो या जो है ना प्रेस बटन भी लगा सकते हो तो डोरी भी लगा सकते हो बट जरूरत नहीं पड़ती है मैं इसी तरह से हमेशा कुशन कवर बनाती हूँ अपने इस तरह से मैंने सारे कवर्स जो है ना तैयार कर लिए हैं अब थोड़ा सा फैब्रिक मेरे पास बच गया है तो उसके लिए ये देखिए मेरे पास ये आ, एक कस्टमाइज लैम्प है तो इसको जो इसका शेड है ना ये ख़राब हो गया था मतलब इसका जो फैब्रिक है वो ख़राब हो गया था तो इस फैब्रिक से जो बचा हुआ है ना उससे मैं इसको कवर करूँगी तो इसकी जो वर्थ है वो नाइन मतलब सेवन इंचेस है नाइन इंच में रखूँगी बढ़ा के और ये जो इसका राउंड में पूरा फैब्रिक चाहिए हमें तो ये चाहिए थर्टी एट तो मैं फोर्टी इंचेस रख लूँगी तो नाइन इंचेस वर्थ और लेंथ चाहिए हमें फोर्टी इंचेस तो इतना कपड़ा जो है वो मैं यहाँ से ले लूँगी और अब जो बच गया वो प्लेन फैब्रिक में इसमें यूज़ करूंगी तो ये देखिए ये मैंने पूरा ना दोनों तरफ से बंद कर दिया इसकी जो पूरी राउंड है वो फोटी इंचेस है और विर्थ इसकी नाइन इंचेस है चौड़ाई जो है ना इसकी वो नाइन इंचेस है वैसे मुझे सेवन इंचज़ चाहिए लेकिन अंदर की तरफ को फोल्ड भी करना है फिर स्टिच भी करना है तो उसके लिए मुझे मार्जिन चाहिए होगा है ना तो ये मैंने नाइन इंचेस ले लिया अब दोनों तरफ मैं सिलाई लगा दूँगी मतलब फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से ताकि धागे वगैरह जो है ना निकलें अब ये ऐसे रख के ना नीचे की तरफ को स्टिच करना मैं स्टार्ट करूँगी इस तरह से ये जो वायर है ना इसको रैप कर देना है इस फैब्रिक के अंदर बस ये ऐसे करके ना ये ऐसे करके ना ये इस तरह से इसको मैं रैप करती जाऊँगी पूरे में नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको मैं हल्की हल्की ना प्लीट्स डालती जाऊँगी ऊपर की तरफ तो बहुत सारी प्लीट्स आनी है क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे कम स्पेस है फैब्रिक ज़्यादा है हमारे पास और नीचे की तरफ राउंड में थोड़े बहुत प्लीट्स टलेंगे इस काम के लिए मैंने बड़ी वाली नीडल लिया है उससे आसानी से ये हो जा रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा मैं पूरा कंप्लीट करके ना आपको दिखाती हूँ फिर ये लैम्प भी मेरा बिल्कुल नया बन गया है बहुत ही पुराना हो गया था इसका कपड़ा तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आगे आप नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय